नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान, इष्ट सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धरती माता की कहानी। एक माँ थी, उसके एक बेटी और बेटा थे। माँ बहुत ही ज्यादा गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी की योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई थी। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर और वर देखकर ही उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव-गांव घूमता रहा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम-घूमकर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लेकर आया। बहन ने कहा, ये सब सामान क्यों लेकर आए हो? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी आप किससे कर रहे हो? भाई ने कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गायों के ग्वालों ने उससे पूछा कि वन में क्यों जा रही हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वन में जाकर धरती माता को वह पुकारने लगी और बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मैं मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा और चुनरी चप्पल रख दिए और वह धरती माता में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माता के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन तू सत के लिए धरती माता के गोद में समा रही है, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा वर कोई नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर बचे थे वो दो बन गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती है और लोटा चप्पल चुनरी एक बर्तन में हरे मूंग एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती है, जिससे धरती माता उनसे खुश होती है। तो बोलो धरती माता की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति खबर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।